जाती है उछल। और भाई जैसे ही मेरी गाड़ी उछलती है मेरे को दिखते हैं बंदे वो उनके करेक्ट मुंह के सामने। तो आ चुके हैं यार एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने कल सब्सक्राइब करा वीडियो को, अपना प्यार दिखाया और लाइक करा वीडियो को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करे यार, उनको बहुत बहुत थैंक्स। एंड यार अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लचेस की और डे वर्सेस स्क्वाड क्लचेस की वीडियो लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आप किसी सिचुएशन में पड़ जाओगे, अगर आप सोलो हो और आपके सामने स्क्वाड है और किसी सिचुएशन में हो, तो आपको कैसे वो स्क्वाड को क्लच करना है। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ओपी ओपी क्लचेस दिखेंगे। ठीक है, अब शुरुआत में यार मैं उतरता हूँ। अब मेरे को मिलती है यहाँ पर शॉटगन। तो यार जैसे मिलती है मेरे को शॉटगन और यहाँ पर एक और बंदे के उतरने की आवाज़ आती है मेरे को। वो बंदा बगल वाली बिल्डिंग में उतरा हुआ होता तो इसे ये मतलब इस पर कोई गनन होती नहीं है तो मैं उससे सीधे रश मार देता हूँ। तो यार इसको तो बहुत इजीली भर देते हैं और उसके बाद सीधे आ जाता हूँ मैं यार साइड में एक स्क्वाड हाउस होता है वहाँ पे। अब यार यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ मैं। अब इसका जैसे एक बंदा रश मारता है मेरे ऊपर, मैं अपना कवर छोड़ के सीधे उसे मारने के लिए चले जाता हूँ। तो यार गाइस कभी भी अपना कवर मत छोड़ना, जब भी अगर आप उस स्क्वाड रश मारे तो कभी भी अपना कवर मत छोड़ना। अब यार मैं गलती तो करता हूँ लेकिन उसे भी संभाल लेता हूँ। तभी से यार मैं पूरा फिनिश कर रहा हूँ उसके बंदे होते थोड़ा सा आगे को। तो यार रिलोड रिलोड छोड़ के मैं सीधे अंदर को आता हूँ, अपने आप को हिल मारता हूँ, बूस्ट वूस्ट मारता हूँ। अब तभी यार इसके बाकी के दो बंदे भी मेरे पे रश मार देते हैं जैसे कि होना ही था। तो यार अब देखो उन्हें भी कैसे भरते हैं बहुत इजीली। तो यार इस स्क्वाड को तो बहुत इजीली वाइप कर देते हैं। अब इन्हें लूट लूट करके मैं बहुत सा पोचिंग किया। पोचिंग की में होती है एक स्क्वाड बची हुई। और गाइस हमेशा याद रखना हाइट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है गेम में। तो यार यहाँ पहुँच के मेरे को दिखती है एनिमीज़ की कार। अब मुझे करने होते हैं बंदे लोकेट, तो मैं सीधे चढ़ जाता हूँ यहाँ से छत पे। अब जैसे मैं यहाँ पर छत पे चढ़ता हूँ तभी एक बंदा आता है ओपन में, तो देखो कैसे भरते इसको भी। अब यार बारी होती है इसके बचे हुए तीन टीममेट्स की, तो देखो कैसे भरते हैं तीनों को भी। एंड यार हमेशा याद रखना गेम में हाइट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। अब यहाँ यार इस स्क्वाड का एक ही बंदा बचा हुआ होता है जो कि बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि इसके बाकी के तीन बंदे मैं खा चुका होता हूँ ऑलरेडी। तो यार यहाँ पर भी हाइट का एडवांटेज उठाता हूँ मैं। अब यार पोचिंग की भी हो चुका होता है खाली, तो अपन लोग उड़ते हुए पहुँचते हैं जोन में। अब जोन में जैसे पहुँचता हूँ जोन बना होता है मिलिट्री बेस में। अब यार ये इस रोड पे मैं बंदे ढूंढ ही रहा होता हूँ कि कहीं पर बंदे मिल जाए, कहीं पर बंदे मिल जाए, कि यार मैं यहाँ से सीधे सीधे जा रहा होता हूँ मेरी गाड़ी जाती है उछल। और भाई जैसे मेरी गाड़ी उछलती है मेरे को दिखते हैं बंदे वो उनके करेक्ट मुँह के सामने। तो भाई यहाँ पर बाल बाल बसता हूँ। तो यार मैं यहाँ से इन्हें लूट के जा ही रहा होता हूँ। अब जाते जाते यार मेरे को दिखती है एक गाड़ी जो कि जा रही होती है पहाड़ों में हो रही।
तो यार मैं उसका पीछा करते करते पहुंचता पहाड़ में। अब मेरे को लगता है यार वो वहाँ जाके गाड़ी रोकेगी, शायद उनने मेरे को भी देख लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, वो लोग गाड़ी रोकते नहीं है यहाँ पे। अब यार ये लोग रुकने की बजाय सीधे नीचे चले गए होते हैं। अब वहाँ पर एक बंदे को एक गंदा पेल रहे होते हैं और मैं सीधे मार देता हूँ इनके ऊपर रश। तो देखो यार कैसे भरते हैं इन लोगों को भी। अब यार इन लोगों बंदी का दबा जाते हैं जोन में, और जोन में आते ही यार बंदे मेरे पे कर देते हैं रश। सब देखो कैसे भरते हैं इन लोगों को भी। अब यार मुझे पता होता है इनकी गाड़ी मैंने भर दी है, अब ये लोग पैदल हैं, अब कहीं जा नहीं सकते हैं। अब मैं लगाता हूँ थोड़ा सा दिमाग। It was at this moment that he knew he fucked up. You casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. तो यार आ जाते हैं उसके बाद जोन में। अब जोन में पहुंच के मेरे को बंदों की गाड़ी तो लोकेट हो जाती है। तो यार ये बंदे सोच के बैठे होंगे कि ये वो सीधे हाथ से आएगा, क्योंकि गोली लास्ट टाइम वहीं से चली थी। तो ये लोग उस साइड से कवर लेके बैठे होंगे और इन्हें अपना अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड पूरा ओपन छोड़ा होगा। तो यार मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ पूरा लेफ्ट साइड से फ्लैंक करके इनके पास पहुँच जाता हूँ, और देखना कैसे बढ़ते हैं इन लोगों को भी। तो यार अब बचा होता है आखिरी बंदा। अब यार मुझे पता होता है कि आखिरी बंदा होगा घरों के अंदर। तो यार मैं भी थोड़ा बहुत कवर अवर लेके जाने की कोशिश करता हूँ उसके पास।
अब यार कवर ख़त्म हो गया होता थोड़ा स्मोक स्मोक करके जाने की कोशिश कर दोगे, थोड़ा बहुत कवर चाहिए होता है मेरे को, लेकिन यार जोन अपने ऊपर से निकल जाता है तो देखो कैसे भरते हैं आखिरी बंदे को भी। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।